सो हेलो गाइस, कैसा आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज के वीडियो के लिए आज को फिर से न्यू ड्रेस कॉम्बिनेशन। तो गाइस, आज के इस ड्रेस कॉम्बिनेशन में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस देख रहे हो, ये हमें बिल्कुल फ्री में देखने को मिली है और इसका नाम है गाइस इलेक्ट्रो, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रोमैन कुछ ऐसा नाम है और यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल फ्री में, ठीक है। अगर आप 40 जो है बैजेस कर लेते हो बिना नाइट पास के भी, अगर आप 40 बैजेस कर लेते हो तो यहाँ पर जो है गाइस ये जैकेट आपको बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। अब गाइस इसके यार एक कमी है, यानी गाइस इसका एक डिसएडवांटेज है भाई, लुक वाइज देखे तो गाइस काफी ज्यादा बेस्ट है, दिखने में भी काफी ज्यादा ओपी है पीछे से एनिमेशन। बस इसका गरीने ने भाई एक डिसएडवांटेज क्यों दिया, किस वजह से दिया भाई, नहीं देना चाहिए था, वो है गाइस जिसका मतलब ये वेस्ट हाइड नहीं करती भाई, ठीक है। अभी उन बंदों के लिए बेस्ट है जो भाई ज्यादा टॉप अप नहीं करते, जिसके पास ज्यादा अच्छी टी शर्ट नहीं है, ठीक है। तो हाँ, इसका लुक वाइज देखे काफी ज्यादा बेस्ट है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है जो कि भाई हमको भी अच्छा नहीं लग रहा, वो है गाइस अगर आप कोई वेस्ट ले लेते हो ना तो भाई आपका जो है गाइस ये हाइड हो जाएगा, यानी कि ठीक है गाइस ये जो है वेस्ट हाइड नहीं करेगा, बिल्कुल वेस्ट जो इसके ऊपर दिखाई देगा। हाँ, अगर आपके पास वेस्ट नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गाइस वेस्ट नहीं होगी तो भाई, ठीक है, अगर भाई इतना अच्छा खेलना जानते हो तो भाई वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, इस पर भी आप लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बाकी गाइस चलिए यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी गाइस अगर आप चैनल पर रहे हैं तो सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं अपन बिना किसी देरी के, ठीक है। सो अभी बढ़ेंगे यार पॉइंट। तो यहाँ पर जो मैं कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाला हूँ वो बिल्कुल नो टॉप अप यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाई फोर्ज बंडल के एयर यूज़ करने वाले हैं, मास्क मेरे यही रहने वाला है। अब जैकेट में गाइज आपको यही रहने देना है और बाकी पैंट वाले सेक्शन में आने के बाद गाइज आपको पैंट में कोई कचना देख लेना है, क्योंकि भाई यार ये वेस्ट हाइड नहीं करती, अगर आप इस पर जज पैंट वगैरह लगोगे तो थोड़ा वो वीक ही सा लगेगा भाई, ठीक ठाक नहीं लगेगा। तो जैसे कि मैं इसमें ये वाला समर हॉलीडेज वाला कचना यूज़ कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर आप शूज़ सेक्शन में आने के बाद अगर आपके पास स्लीपर है स्लीपर यूज़ कर लेना, नहीं तो गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो है गाइस आपके पास ये शूज़ होंगे, ये शूज़ आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसके ऊपर गाइस एक ये है कि गाइस अगर आपकी वेस्ट जो ये दिखेगी ऊपर तो थोड़ा इतना अजीब नहीं लगेगा आपको, जो इतना मतलब अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा कि भाई, ठीक है, क्योंकि कचना है। अगर आप जज पैंट लगा के खेलोगे तो भाई ऐसा लगेगा भारी भारी कॉम्बिनेशन लग रहा है, ठीक है। अगर आप ये मतलब कचना भाई कुछ हाफ इंच निकल लगा के खेलोगे ना तो इससे नहीं चलेगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन काफ़ी ओपी आएगा। तो बाकी गाइस यार आप मुझे ये कमेंट करके बताओ गाइस आपको किस तरीके का लग रहा है ये कॉम्बिनेशन, तो नीचे कमेंट करके बताना। बाकी गाइस यार अभी बढ़ेंगे यार फाइनली नंबर फोर कॉम्बिनेशन की ओर। तो यहाँ पर जो मैं यूज़ कर फ्री करने वाले, तो इसमें मैं हेयर बताता हूँ भाई, हेयर इसमें आपको कौन से रखने, ठीक है। तो हेयर इसमें हमें यूज़ करने का इस कैप्टन पनीशर के, जो कि हमें मैजिक क्यूब में मिल जाता है, ये बंडल अवेलेबल है, इसको आप ले सकते हो, ठीक है। और मास्क वाले स्ट्रक्चर में आने के बाद इसमें आपको ओल्ड मैन बियर्ड यूज़ कर लेना है, अगर आपके पास ओल्ड मैन बियर्ड नहीं है तो कोई सही मास्क चलेगा, बस भाई वो ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसमें ओल्ड मैन बियर्ड यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ओ भाई हेयर भाई हमारे हट चुके हैं, क्योंकि गाइस हमने धोखे से जो भाई एक टोपा लगा लिया था जो कि ठीक नहीं लग रहा था, ठीक है। फिर गाइस आपको यानी पैंट वाले सेक्शन में, इसमें ओ भाई ये क्या है, इसमें गाइस आपको कौन सी पैंट रखनी है चलिए वो आपको बता दें, ठीक है। तो इसमें गाइस आपको पैंट रख लेनी है हैंडसम सीनियर वाली, वो बाकी सब कुछ यही रहने है। इस कॉम्बिनेशन को एक बार ट्राई करके देख रहे गाइस, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन है और नो टॉप अप है, ठीक है। अब गाइस नो टॉप अप यानी गाइस मोस्ट ऑफ द प्लेयर के पास जो है भाई हैंडसम सीनियर होता ही है, जिसके पास नहीं है तो कोई अदर पैंट आप ट्राई कर लेना, इसकी जे सेम पैंट भाई बहुत सारी पैंट है इसकी सेम बता रहा हूँ, तो ट्राई करके देख लेना। बाकी गाइस कमेंट करके बताओ आपको ये कॉम्बिनेशन किस तरीके का लग रहा है भाई, अपन को तो एकदम ओपी लग रहा है, ठीक है। तो अभी बढ़ेंगे यार फाइनली नंबर थ्री कॉम्बिनेशन की ओर। यहाँ पर जो मैं कॉम्बिनेशन यूज़ करना हार्ड रहने वाला है इस बार, इसमें गाइस हम मैं बेस रॉक के एयर यूज़ करूँगा, थोड़ा डेडली बनाने वाले हैं, और यहाँ पर जो है जज पैंट इस बार हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जज पैंट यूज़ करेंगे, ये कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि गाइस इसमें हेयर अब ओपी आ गया, बेस्ट दिखा या नहीं दिखा उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हेयर और गाइस हमारे शूज़ और पैंट जो हमारी ओपी लग चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब भाई अपन तो भाई बिना वेस्ट के भी खेल लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिना वेस्ट के जो खेलना जानता है वो खेल सकता है भाई, मज़ा ले सकता है भाई इस जैकेट का, ठीक है। और ये भाई गरीनों को ये ऑप्शन देना चाहिए था कि भाई वेस्ट हाइड करे, क्योंकि लुक ओपी है, देखो तो भाई पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लोग है भाई, सिंपल दे देते भाई अगर वेस्ट हाइड नहीं कर रही थी तो। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस, बाकी अभी बढ़ेंगे यार फाइनली नंबर टू कॉम्बिनेशन की ओर, ठीक है। तो नंबर टू पर जो मैं यूज़ करने वाला हूँ गाइस थोड़ा हार्ड रहने वाला है इस बार भी, बहुत मनोहर। तो यहाँ पर जो है इसमें यूज़ करने वाला हूँ द यूसुफ सॉल हेयर, और यहाँ पर पैंट वाले सेक्शन में आने के बाद भाई काफ़ी पुरानी पैंट है जिसका नाम है ट्रैप, ठीक है भाई, कितने दिनों बाद यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो इस पैंट को मैं रखने वाला हूँ, ये बिल्कुल मूवमेंट लिया, अब इसमें भी गाइस कोई बात आती है वेस्ट दिखे या फिर नहीं दिखे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन को खेलने से मतलब है, क्योंकि पैंट काफ़ी ज़्यादा ओपी हमने लगा ली है इसमें, ठीक है। तो बाकी यार ट्राई करके देख लेना, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बाकी गाइस आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके बताओ। तो अभी बढ़ेंगे यार फाइनली नंबर वन कॉम्बिनेशन की ओर। नंबर वन पर भाई मैं आपको एक फंडा बताता हूँ, ठीक है। अब भाई आपके पास ये जैकेट है तो लगा लेना, अगर आप
भाई होगी सबके पास होगी, क्योंकि 40 बैजेस पर हूँ फ्री में देखने के लिए मिल रही है। अब पिछले राइट पास में गाइस मिली थी, लेकिन उसमें हमें वेस्ट हाइड हो रही थी, लेकिन इसमें वेस्ट हाइड नहीं हो रही, ठीक है। अब ये क्यों कैसे, ठीक है, तो वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि गाइस गरीना यार खेलता भी है ना जज्बातों के साथ। तो इस कॉम्बिनेशन में गाइस मैं आपको बताता हूँ आपको क्या यूज़ करना है, जैकेट यही रहने देना है, ठीक है। अब ये उनके लिए है भाई जिनके पास कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है उनके कलेक्शन में, बस कुछ हल्का फुल्का कलेक्शन है, ठीक है। तो गाइस आपको क्या करना है, इसमें जो है गाइस कुछ हेयर आपको ढूंढ लेने जो कि गाइस आपको बेस्ट लगे, ठीक है। अगर आपके पास हेयर नहीं है, ठीक है, अदरवाइज हेयर नहीं है, तो आप ये टोपा यूज़ कर सकते हो भाई। ये बिल्कुल हमें फ्री में देखने को मिलता है गोल्ड में। मैं ये क्यों बोलता हूँ भाई ये टोपा ले लो, क्योंकि फ्री में गोल्ड में है भाई, ठीक है। पहले डायमंड में था, आप गोल्ड में कर दिया। अब इसमें आप पैंट और कुछ भी लगा सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन ये ध्यान रखना कुछ भी लगा सकते हो, क्योंकि भाई वेस्ट तो हार्ड होती नहीं है, कुछ भी लगा लोगे तो परफेक्शन ऑटोमेटिक बन जाएगी जब वेस्ट आपके सीने पे आ जाएगी, ठीक है। आपके भाई जिस्म पे वेस्ट आ जाएगी तो पता नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं यार तू चलेगा। कोई सी भी पैंट लगा सकते हो, कोई सी भी शूज लगा सकते हो, ठीक है। हाँ, शूज थोड़े बहुत बेस्ट लगा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाकी यार आज की वीडियो में इतना ही, होप करता हूँ यार वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।